हाँ भाई नहीं, फाइनल डिसीजन है, तुम्हें नहीं आना। हमने तो ऑफर कराई है भाई, उसने नहीं आना, हम लोग जाएंगे नमाज। ठीक है, इतनी लंबी शर्ट, तुम तो कमीज पहन आए हो। गलत एंगल नहीं दिखाओ अपने। मुंह दिखाओ अपना, मुंह भी ऐसे ही है तुम्हारा। आजा आजा आजा। पला इला। खत्म हो गया तो चले। कल भी आने से इनकार है। इसकी तरफ से जो है दोबारा से कल दावत है बिरयानी की, दावत कर दी दोबारा बिरयानी की। चलो फिर चला चंद्रा साहब, कल इसको उठा लेंगे, हम इससे बात हो रही थी कॉल पे। पहुंच गए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इतना रश है, ट्रैफिक फुल ब्लॉक, पार्किंग की जगह नहीं मिल रही। यहाँ अंदर पीछे जो है ना वेस्ट वॉक है, वो हमने देखना है आज। ये जो है पार्किंग फुल हो चुकी है। हम लोग पहुंच तो गए हैं इधर, जो है पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिली है। शूज पहन रहा है, जाके देखते हैं। वेस्ट वॉक का बड़ा सुना, इंटरनेट पे भी काफ़ी सुना है हमने, वेस्ट वॉक देखो जाके। तो जाते हैं, रश तो बहुत ज़्यादा है यार, तो जाके भी देखते हैं क्या सीन है। वेस्ट वॉक अभी जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो ये एक्चुअली में वेस्ट वॉक करेंगे हम लोग, वेस्ट में ही है ये जगह कि नहीं। ठीक है, इतनी लंबी शर्ट, तुम तो कमीज पहन आए हो। ये स्टाइल है भाई। पहुंच गए हैं वेस्ट वॉक, ठीक है जी। जीरा परफ्यूम्स के ऑपोजिट में है, का तो बहुत प्यारा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। हमने जो है वेस्ट वॉक देख लिया, फुल एयर कंडीशन मॉल है यहाँ पे, फुल एयर कंडीशन, सर्दी लग रही थी हमें। तो ऐसे लग रहा था हम किसी और दुनिया में पहुँच गए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं जी वेस्ट वॉक के बाद डाइट वॉक पे जा रहे हैं हम लोग, खाना खाने के लिए अभी DFC मॉल में। तो इसने फिर कुछ सजेस्ट किया आज के, ये खाओ रैपिड रैपिड फायर। जैसा कि आप लोगों को मेरी दाढ़ी नजर आ रही होगी, क्योंकि ईद है, पर ईद में तो कुर्बानी के बाद ही काटेंगे, ठीक है जी। तो बस जिम शिम जा रहे हैं, थोड़ा ये शुरू हो गया, ठीक है। वहाँ जाके आपको पहुँच के भी बताते हैं। टच है बस, हाँ सेंसर है, ऐसे रहना ये हो जाए। टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर जा रही है। हम लोग पहुँच गए DFC, यहाँ पे हम लोग खाएंगे सैंडविचेस। इसमें जो अपनी मर्जी का डलवा सकते हो, जो आपने डलवाना है इसमें से, वो सब आप यहाँ डलवा सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। अल्हम्दुलिल्लाह मज़े का था, खा लिया बस, अब चलते हैं जी घर को। अभी रास्ते में एक दोस्त से मिलना काम है, उससे चलें। चलो देखिए, आप अगर कहीं भी बाहर बैठ के खाना खाते हैं ना ऐसे, ठीक है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जहाँ भी आप बैठ के टेबल पे खा रहे हैं ना, कोशिश क्या करें, वो खुद साफ़ करके कर दिया करें। वैसे यहाँ पर जो सफाई वाले घूम रहे होते हैं, वो लोग आके साफ़ कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए इजी करने के लिए थोड़ा खाते हैं आप। ये जो एक्स्ट्रा गिरा होता है ना नीचे, ये सब इसको कोशिश करें साफ़ कर दें खुद भी, और जो है इसको इधर रख दें,
ताकि उठाने वाला अगर कोई आता है तो आराम से उठा के ऐसे जो है वो चला जाए। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, तो कोशिश किया कि आप लोग भी ऐसे करें, ठीक है। और अपनों से जो नीचे लोग हैं उनके साथ थोड़ा अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए। तो बस अब चलते हैं वापस, मिलते हैं फिर आप लोगों को कुछ टाइम के बाद। The next day. Hello, assalamu alaikum again. तो रात को हम खाना वगैरह खा के घर पहुंच गए थे, थोड़ा लेट आ गए थे, लेट हो गए थे। तो अभी जो है उसी दोस्त ने जो है जो मेरे साथ था रात को, उसने की हुई है दावत के, दो दफा फोन आ चुके हैं, थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं। तो बस अभी मैं जा रहा हूँ उसके रास्ते में से, हमारे साथ जो एक और दोस्त होता है उसको लेंगे रास्ते में से, तो उसको लेके जो फिर उसकी तरफ चलते हैं, जाके जो है बिरयानी शिरयानी खाते हैं आज। इसको देखो जेम्स बॉन्ड आ रहा है। जेम्स बॉन्ड पहुंच गया इसके घर, अब जा रहे हैं जी अंदर। इस भाई साहब ने माशाल्लाह से मजलिस बनाई हुई है बहुत प्यारी, इधर बैठ के हम लोग खाएंगे। तो खूर शखूर भी लगाया हुआ है जी, चिल किया फ्रीजर में माशाल्लाह। ये स्पाइसी मज़े का काम लग रहा है, ठीक है जी। भी हम डालते हैं खा के आप लोगों को मिलते हैं अब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना खा के जो सुकून आ गया, अब नींद आ रही है। ये लेके आया जी चाय, सुलेमानी विद मिंट। कुरान अर्जुन आएंगे सर की नमाज का टाइम हो गया। टोपी टोपी ले चंद्रे, आ जा हो जाए आज। भला इलाह गलत एंगल नहीं दिखाओ अपने, मुंह दिखाओ अपना, मुंह भी ऐसे ही है तुम्हारा। ये टोपी पहन और शुरू हो जाओ। अल्लाह अकबर। सरप्राइज दिया यार, इसने तो बताया नहीं हमें। हमें लगा शायद अंदर से कस्टम वगैरह बन के आ रहा, लेकिन इसने तो बाहर से ऑर्डर कर दिया हमारे लिए स्पेशल। सीरियस हो रहा है पिक्चर, ये सीरियस हो गए थे आप। मजे का बहुत मजे का। मैंने खाना वगैरह खा लिया है, स्वीट्स भी खा लिया, मूवी देखे थे। मूवी देखने के बाद अभी जो है मगरिब का टाइम हो गया है, 5 मिनट रह गए हैं। चलते हैं इधर ना, बहुत खूबसूरत एक मस्जिद बनाई हुई है, तो हमने कहा मगरिब की नमाज़ हम लोग वहाँ पे जो है पढ़ेंगे। नमाज टाइम जाएंगे हम लोग नमाज पढ़ने। तनु मुझे मिस किया था उन्होंने, इसका नाम तनु है, कह रहा किया। ये वाली मस्जिद है जी, ऐलान हो रही है। हाँ फिर नहीं, फाइनल डिसीजन है, तुम्हें नहीं आना। चाहता सोच ले। नहीं आएगा, चलो ठीक है ओके। हमने तो ऑफर कराई है भाई, उसने नहीं आना, हम लोग जाएंगे नमाज पढ़ने। सिंपल हूँ मैं, नमाज मस्जिद दिखाता हूँ फिर आपको, नमाज के बाद मिलते हैं। स्टेट मॉस से बड़ी नहीं है। ये थोड़े मदीने के जिस तरह मदीने में दरवाजे ना उस तरह के बनाए हैं। फोटो इमाम बिन अब्दुल वहाब, ये जो स्टेट मॉस्क कहते हैं, ये मॉस्क इज ओनली फॉर प्रेयर, लोगों को लगता है टूर के लिए। अच्छा ये टूरिज्म के लिए नहीं है, ये टूरिस्ट आके यहाँ पे विजिट करिए उनके लिए नहीं है। बात जो है मुझे पहले पता थी ये, तो अभी जो है साल चल रहा है 2024, सही है जी, लेकिन इनके नेपाल में कितना चल रहा है 2081, मतलब ये फ्यूचर में जी रहे हैं। व्हाट इज दिस,
What is this? This is the... Do you think I'm stupid, huh? भाई साहब नेपाल में जो है 2081 ईयर चल रहा है और जो है क्या कहते हैं वहाँ पे एक साल में कितने महीने 24 महीने 24 इज दिस गाइस सीरियस आर यू सीरियस मस्ती करो नहीं आगे तो ये अजीब सीन है इनका आई डोंट बिलीव इट आ आ पास में आ गया तू कतर में आ गया तू टाइम ट्रैवल कर रहा ट्रैवल को कर रहा है तो नाज़रीन इसको मैंने बोला है ये जाएगा नेपाल तो ये फ्यूचर में आ जाएगा वहां से कोई चीज लाएगा फ्यूचरिस्टिक चीज लाएगा मतलब जो फ्यूचर में आने वाली होगी कतर में वो इधर आएगी मैं बोलूंगा मैं 2081 का ड्रेस पहना हुआ मैंने वाओ तुम लोग 24 में रहो तुम लोग और बस भाई अजीब सीन है यार ऐसे बस अल्लाह अच्छा नहीं छोड़ सनी अल्लाह हाफिज़ नहीं सबर 2024 चल रहा है मैं 94 में पैदा हुआ मैंने अभी बर्थ का टॉपिक लिया है ये बिग ब्रेन 1994 में पैदा हूँ 24 अब आ गया ओके अभी 2081 में तो तू पैदा कब हुआ था 250 में 2050 में अभी तेरी क्या एज है 30 31 2049 में पैदा हुआ नाज़रीन हम पहुंचे ही नहीं है 49 में अभी तक ओ ये 49 में पैदा हूँ अभी हम वहाँ पहुंचे नहीं अभी तक अजीब सी लॉजिक नहीं है अजीब सी बात नहीं लग रही तुम्हें यार ये मैं तुम्हें क्या बोलता ये बात है पता पड़ गिर रही थी वापस ऊपर की मैं तो ये अभी तक ये कतर में अगर आया तो कतर में अभी ये पैदा नहीं हुआ ये फ्यूचर में जी रहा मैं तो कह नहीं पहले आ गया ये अभी जाएगा ना वहाँ पे मर जाएगा फिर जब तुम नेपाल में मरने में लोग नहीं इधर आ जाना हाँ जिस ईयर में नेपाल में ये मरने वाला होगा ये इसको चाहिए टिकट करवा के कतर में आ जाए तो उतने साल मजीद यार जी लेगा इधर आओ सामने शर्मा क्यों रहे हो इधर मुंह दिखाओ इधर अपना मुंह दिखाएगा रिश्वत अनबिलीवेबल हो गया बंद करो मैन इज अनबिलीवेबल इज स्पीकिंग शीता स्पीकिंग वेरी शीत बस अजीब सीन है भाई नेपालियों का अल्लाह हाफिज हम लोग चलते हैं जी घर गाड़ी स्टार्ट करता हूं ना मैं चंद्रा को हम लोग हमारे साथ मैं इसको जाते रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा तुम ड्रॉप करोगे इसको मेरी गाड़ी वो खड़ी है आगे बस करते हैं आजकल लोग एंड यहीं पे क्या सीन है तुम्हारा अल्लाह हाफिज़ आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में